स्निशा, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ सिंपल इजी एंड टेस्टी बनने वाले छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। ये काबुली चना 2 कप लिया है मैंने, रात भर पानी में सोख कर लिया है। 3 टमाटर को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 2 प्याज मैंने मीडियम साइज के बारीक बारीक काट लिया है। 3-4 ग्रीन चिली को स्लिप करके ले लिया है और 3-4 गार्लिक है। ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, ये थोड़े से गरम मसाले लिए हैं मैंने जिसमें चिली है, 1 सूखी हुई इलायची, 1 बड़ी छोटी इलायची, लौंग और जावित्री और स्टार एनिस और जीरा, ये 1 टीस्पून छोले मसाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी, 2 टीस्पून लिया है मैंने। अच्छे से मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं आ रहा है, तो मैं ये खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं अनियन डालूंगी जो चॉप करके रखा है। अनियन के साथ ही मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब प्याज को अच्छे से भुनने दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज मिस कर दी है इंग्रेडिएंट्स में, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब मैं इसमें अनियन में डालूंगी। देखिए अनियन अच्छे से भुन चुका है और ये जो मैंने ग्रीन चिली और गार्लिक रखा हुआ है इसको इसमें ऐड करूंगी। गार्लिक मैंने कट नहीं किया है, उसको पील करके बस ले लिया है और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। जिंजर गार्लिक का कच्चापन चला जाना चाहिए, उसके बाद में इसमें स्पाइसेज ऐड करूंगी। और मैं इसमें स्पाइसेज ऐड करूंगी, ये छोले मसाला है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ये जो मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है ये भी डालूंगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। ये झटपट छोले की रेसिपी है, जल्दी बनने वाली, इसलिए मैंने छोलों को अलग से नहीं बॉईल करके रखा है। अब मैं इस पर टमाटर ऐड कर रही हूँ, मसाले हमारे भून चुके हैं। मसालों में तेल चुना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें अपने छोले ऐड करूंगी। अब इसमें पानी ऐड करूंगे। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए। 1.5 गिलास पानी डाला मैंने, इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी, 1 सीटी आने दूंगी मैं हाई फ्लेम पे, फिर फ्लेम जो है लो कर दूंगी। फ्रेंड्स, छोले बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालूंगी। इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। झटपट छोलों की रेसिपी देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, छोले बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।